नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीआई के बारे में। जी हाँ भाई, वीआई सरकार ने आपकी इमरेट्स आईडी के बारे में बात करेंगे। हालांकि आपने न्यूज़ देख ली होगी, नहीं देखे तो भाई देख लीजिए, पूरी स्टोरी हम बताएंगे इसमें। इमरेट्स आईडी के बारे में बात करेंगे कि सरकार ने एक डिजिटली इमरेट्स अलग तरीके की लॉन्च कर दी है। जी हाँ, अगर अभी आप जैसे इंडिया में किसी भी देश से अगर आप अभी जाएंगे तो आपको वो इमरेट्स नई वाली आईडी मिलेगी। अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो जब भी आप रिन्यू करवाएंगे तो आपको दूसरी इमरेट्स आईडी दी जाएगी। जी हाँ, सेम प्रोसेस अपने इंडिया में जो लाइसेंस होते थे ना पहले, जैसे पुराने वाले लाइसेंस थे जो कागज़ पर हम उसका लेमिनेशन करवाते थे, और उसके बाद में जो डिजिटली लाइसेंस आ गए आपने देखा होगा सबने। सेम अगर बात करें तो ये जैसे आरसी है, गाड़ी की आरसी इसको बोल सकते हैं आप। ये आरसी पहले ऐसी नहीं होती थी, पन्ने में आरसी होती थी, उसके बाद में नॉर्मल तरीके से होती थी। अभी ये देखिए आरसी, इसमें एक चिप लग गई, इसको अगर कहीं से भी स्कैन करते हैं तो पूरा रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। इसमें आपके सरकार ने लॉन्च कर दी है, क्या क्या बेनिफिट इसमें बताए गए हैं, आपको क्या फ़ायदा होंगे, डिटेल से हम इस वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको वीएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है कि इमरेट्स आईडी होता क्या है। हालांकि जो दुबई में लोग रहते हैं आप सबको पता ही होता है कि भाई एक आईडी होता है, सेम इतना ही बड़ा, सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है। उसमें एक चिप लगी होती है, आपका एड्रेस पूरा तामझाम आपका उसी में होता है। कभी भी अगर पुलिस आपको रोकती है टोकती है, आपकी कोई चेक हो आपके बारे में इंक्वायरी करनी होती है, तो इसको डालते ही सब कुछ ऑन रिकॉर्ड सामने आ जाता है। जी हाँ, इमरेट्स आईडी का मतलब ये होता है कि सब कुछ आप जिस देश में रहते हैं, जैसे दुबई में रहते हैं, पासपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इमरेट्स आईडी है। पासपोर्ट तो आपको पता है कंपनियां रख लेती हैं, आपके पास पड़ा एनी टाइम, तो जेब में नहीं रख सकते। इमरेट्स आईडी आपके जेब में हमेशा होती है, कोई भी अगर आपको मांगता है गवर्नमेंट कर्मचारी ऑफिसर वगैरह तो आपको वो दिखानी होती है। जी हाँ, कंपनी की एक कंपनी का उसमें बायोडाटा होता है, आपका भी पूरा रिकॉर्ड होता है, पासपोर्ट नंबर वगैरह सब होते हैं। कानूनी भी सहायता या फिर किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उस आईडी के आधार पे ही आपको वहाँ पे समाधान मिलता है। जी हाँ, उसके बिना आप अधूरे ही समझ सकते हैं। आईडी नहीं होने का मतलब होता है कि आप वहाँ पे इलीगल हैं, बिना वीजा के रह रहे हैं। जी हाँ, हालांकि ये जो आईडी है अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये 10 साल वैलिड रहेगी। जी हाँ, लंबे समय तक चलेगी। वो इमरेट्स आईडी कम समय के लिए थी, आप सबको पता ही होगा, लेकिन ये आईडी लॉन्ग टर्म के लिए है भाई, 10 साल तक। जैसे दुबई के लाइसेंस आपको पता है पहले 10 साल वैलिड हुआ था, अभी तो वैलिडिटी उसमें कम कर दी है, 10 साल के लिए थी, तो ये भी 10 साल के लिए इमरेट्स आईडी बनेगी। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे वो आपको जान लेना जरूरी है। वीए का बता दूं, वीए सरकार का जो आईसीए है उन्होंने एक आपका आईडी कार्ड, जिसको बोल सकते हैं इमरेट्स आईडी कार्ड, उसको नया डिजिटली लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, हालांकि जो वीए के जो अल मक्तूम हैं, शेख उप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी उपराष्ट्रपति हैं और वीए के प्रधानमंत्री, उन्होंने नवंबर में घोषणा कर दी थी इस बारे में कि भई हम डिजिटली इसको लेके आएंगे ताकि इसमें धोखाधड़ी का यात्रा दस्तावेज से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाए और मजबूती से इसमें पूरा सिस्टम लॉक किया जाए ताकि लोगों के साथ धोखाधड़ी होने से बच जाए। अब धोखाधड़ी का वर्ड आ जाता है तो भाई इससे धोखाधड़ी भी पहले होती थी, जैसे इंडिया में होती थी, नकली लाइसेंस बना के देना या और कुछ डाल देना, लेकिन इसमें एक चिप डाल दी, चिप डालते ही पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये चिप नहीं डाल सकता कोई, नकली लाइसेंस बन सकता है लेकिन चिप नहीं बन सकती, तो ये बहुत सारी होता है। तो पासपोर्टों में भी अभी डिजिटली ऐसे बहुत सारे देशों ने चिप डाल के रखी है, हालांकि इंडिया में भी ये डिजिटल पासपोर्ट बनने वाला है, उम्मीद है 2022 या 23 में ये बन सकता है। जी हाँ, इस इमरेट्स जो नई आईडी है 10 साल का है, सबसे बेनिफिट तो ये भाई एक बार बन गया 10 साल तक ये वैलिड रहेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। सेकंड बात ये कि ये दूसरा इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है वो आपको जान लेने जरूरी है। 5 प्रकार के इसमें फ़ायदे मिलेंगे। जी हाँ, आपका पूरा डेटा भाई इसमें सेव रहेगा। आईसीए का जो आपको पता, आईसीए वहाँ की गवर्नमेंट अथोराइज एजेंसी है, उसके गवर्नमेंट का उसके साथ ई लिंक इसका माध्यम से पूरा सिस्टम जुड़ा रहेगा और वो पढ़ा जा सकता है। जी हाँ, यानी आपका आपकी आईडी आईसीए के जो ई लिंक है उसके साथ में अटैच कर दी जाएगी, कभी भी किसी को भी ज़रूरत हो तो उसके आईडी के आधार पे आपका रिकॉर्ड वहाँ पे पूरा पेश हो जाएगा। तो कंपनी जो पुलिस अधिकारी या और भी कोई ऐसी बात होती है तो वहाँ बार बार उसकी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को भी इसका फ़ायदा है। जी हाँ, सेकेंड बेनिफिट वही है भाई, आपको 10 साल तक टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं है, 10 साल तक वैलिड रहेगी। मजबूत इसको बता दूँ, कार्ड पॉली कार्बोनेट से बनाया गया इसका कवर है, तो ये मजबूत
मजबूत है, 10 साल तक वैलिड है, आराम से ये चलता रहेगा, खराब नहीं होगा, कटेगा फटेगा नहीं। जी हाँ, 3D फोटो, जी हाँ 3D फोटो है ना इसमें, लेजर प्रिंटिंग, 3D फोटो है भाई इसमें, लेजर प्रिंटिंग से फीचर को डाला गया है इसमें, जिसमें जन्म तिथि भी इसमें साथ में ऐड हो जाएगी। जी हाँ, ये भी एक अच्छी बात है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी इसमें ऐड हो जाएगा। कहीं पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट देते हो तो आपको अलग से पासपोर्ट की कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका भी दे सकते हो, तो उसमें पूरा डिटेल आपका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ इसमें प्रमाणित कर देगा कि आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है इसके माध्यम से। जी हाँ, 3D आपकी फोटो लगेगी जो लेजर प्रिंटिंग होगी, जो खराब नहीं होने वाली है। जी हाँ, 5-4 नंबर पॉइंट की बात करें तो भाई अच्छी उच्च तकनीकी की बढ़िया क्वालिटी वाली चिप ये बनाई गई है, जिसको आईडी कार्ड आप बोल सकते हैं। इस चिप में उच्च क्वालिटी का जो बनाया गया है, जिसमें आपका डेटा पढ़ने में आसानी रहेगी, काफी लंबे समय तक आपका डेटा इसमें सेव रहेगा। जी हाँ, 5वां सबसे बड़ा भाई, वीआई सरकार को इसमें सहूलियत इसलिए मिल जाएगी कि जो पेशेवर डेटा रखा जाता है कि इंडिया कितने लोग इंडिया के हैं, उस कंपनी के कितने वर्कर हैं, या अलग अलग देशों के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं, तो वो जो डेटा जो जारी किया जाता है आंकड़ा, वो जो प्राधिकरण है उनको जो जनसंख्या का डेटा है वो रखने में उनको आसानी होगी। तो खास तौर से ये फायदा है, आप लोगों को बेनिफिट ये है कि भाई आपके नाम से कोई क्लोन आईडी नहीं बना सकता। जी हाँ, ये आप लोगों को बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये जो लाइसेंस आरसी, इसको ये आरसी है, इसके अंदर चिप डाल दी तो इसकी कोई नकली चिप आरसी नहीं बना सकता, क्योंकि बन सकता है सेम, लेकिन ये चिप नहीं मिलेगी, चिप नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करने वाली है। तो ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि भाई आपके नाम से कोई गलत यूज किसी भी गलत प्रकार के काम में नहीं लिया जा सकता, जैसे खास तौर से बैंक से लोन उठाने के मामले में, क्रेडिट कार्ड के मामले में, चेक के मामले में, लेन देन के मामले में। लोग आपको एक बार देखा होगा यार, सुना होगा कि बैंक से चेक आया, बंदा मकान पे नहीं था, तो दूसरे बंदे ने उसकी कॉपी, उसकी इमरेट्स आईडी थी, उसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगा के क्लोन आईडी बनाकर उसको दिखा दिया और बैंक ने उसको चेक दे दिया। तो ये ऐसे जो धोखाधड़ी वाले मैटर हैं वो इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये डिजिलाइट है पूरी, और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर दिए गए हैं जो पुराने वाले में नहीं मिलेंगे। इस वजह से नई वाली जो है ना, इसमें आप लोगों के लिए भी बहुत सारी बेनिफिट इसमें हैं, जो धीरे धीरे समय आने पर आप सब लोगों को पता लग जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था कि भाई यूएई सरकार ने नई डिजिटल आईडी, इमरेट्स आईडी है वो लॉन्च कर दी है, आप जब भी रिन्यू करवाओगे तो ये नई वाली आपको मिल जाएगी, और हो सकता है सरकार सबको पुराने वाले को रिजेक्ट करके नई वाली भी दे दे, या हो सकता है कंपनी आपको नई बना के दे, वो अलग प्रोसेस रहेगा जो आगे आने वाले समय में पता लगेगा। बस ये अपडेट शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।